कैसे साहिबा शेख बनी पॉपुलर भोजपुरी एक्ट्रेस, जानिए रानी चटर्जी के नाम के पीछे की दिलचस्प कहानी। रानी चटर्जी का असली नाम साहिबा शेख है और उनका जन्म 3 नवंबर 1989 को मुंबई में हुआ था। मुंबई में ही उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है और उनके सभी आधिकारिक सरकारी दस्तावेजों में उनका नाम साहिबा शेख ही है। रानी चटर्जी ने मनोज तिवारी की फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला से अपना डेब्यू किया था, जो फिल्म सुपरहिट हुई थी। इसके लिए उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले थे। रानी के मुताबिक साल 2004 में वे एक भोजपुरी फिल्म की शूटिंग कर रही थी, जिसका नाम ससुरा बड़ा पैसे वाला था। इस फिल्म के एक दृश्य को वह मंदिर में शूट कर रही थी और जब एक रिपोर्टर ने उनसे उनका नाम पूछा, तब डायरेक्टर ने उनका नाम बदल कर रानी चटर्जी बता दिया। नहीं तो उस वक्त बहुत हंगामा हो जाता कि एक मुस्लिम लड़की मंदिर में कैसे प्रवेश कर गई। इस किस्से के बाद से वह रानी के नाम से ही मशहूर हो गई। रानी ने अपने अभिनय से बहुत सारे अवार्ड्स अपने नाम किए हैं, उनमें से एक है यह भोजपुरी सोशल मीडिया क्वीन का अवार्ड। रानी सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहती हैं। वह अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इसके बाद रानी चटर्जी ने भोजपुरी सिनेमा में दामाद जी, बंधन टूटे ना, त्योहार, दिल जले, फूल बनल अंगार, गंगा यमुना सरस्वती और धड़केला तोहरा नाम, करिज्मा में जैसी फिल्मों में काम किया है। अब रानी लीड एक्ट्रेस के तौर पर बिना किसी एक्टर के काम करती है और वे फिल्में चलती भी हैं। रानी चटर्जी ने खेसारी लाल, दिनेश लाल यादव, पवन सिंह और रवि किशन जैसे सभी बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है। जिस मुकाम पर रानी है, वहां तक पहुंचने के लिए रानी ने दिन रात मेहनत की है और उस मेहनत का फल अब उन्हें मिल रहा है कि वह महंगी गाड़ियों में घूमती है, आलीशान घर में रहती है और लग्जरी लाइफ जीती है।